नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों आपने काफ़ी वीडियो देखे होंगे रिपर बाइंडर के, जो मैंने भी बनाए और दूसरे चैनलों पे आपने रिपर बाइंडर के वीडियो देखे होंगे, लेकिन आपने सीधा खेत से लाइव वीडियो शायद आज से पहले नहीं देखा होगा। तो इसी क्रम में आज हम आपको सीधे खेत में लेके आए हैं, जहाँ पे गेहूँ काटने के साथ बंडल बनाने का काम भी किया जा रहा है। तो कितनी सक्सेस है यह मशीन और किस प्रकार से चलती है, इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी। तो वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे हैं। तो चलिए सीधा उन किसान भाई से मिलाते हैं जो इस मशीन को चला रहे हैं। तो सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। थोड़ा सा अपना नाम बता दो, यहाँ का आपका एड्रेस बता दो। मेरा नाम है थोनू यादव, ग्राम धर्माकेड़ी तहसील नरसिंहगढ़ से हूँ। अभी मशीन चल रही है अपनी खुजनेर के अंदर। ठीक है, कितने टाइम से मशीन चला रहा है? मैं 20 दिनों से चला रहा हूँ। अभी 20 दिनों से मशीन चला रहा। कैसी चल रही मशीन चलाने में? मशीन एक नंबर चल रही सर, अभी तक चलाई जब से बंद नहीं हुई वो। 20 दिन में कितना काट लिया होगा आपने? 20 दिन में मैंने 250 बीघा के करीब काट लिया। 200 से 250 बीघा तो हमने 20 दिन में काट लिया। जी। दिन चलाते हो रात? दिन चलाते हो? दिन और रात दोनों। दोनों में चला, जब भी मतलब जहाँ मिल जाता है। हाँ। अब जैसे इस रिपर बाइंडर के बारे में बात करूँ, उससे पहले कुछ डाउट होते हैं किसानों के कि ये मशीनें सक्सेस नहीं है, चलती सही से नहीं है, इस प्रकार से कुछ गेहूँ छोड़ देती या ये कर देती। जैसा कि अभी मैं खेत में देख रहा हूँ, साफ सुथरा खेत दिख रहा है, कहीं गेहूँ बिखरे हुए नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपका क्या अनुभव कहता है? जी ये जो है अभी जो ये शक्ति किसान की मशीन चली है, ये इतनी सक्सेस है कि किसानों के लिए आप मान लीजिए कि एक वरदान है। अच्छा, वरदान कह रहे हैं? हाँ। ठीक है, ये जो इतनी सक्सेस है कि आप देख लो मशीन, इसकी इस कंपनी की कोई सी भी देख लो जाके, बिखरा नहीं दिखेगा आपको बिल्कुल भी, ना परेशान करेगी। ठीक है, इसके आयल ग्रीस का मेंटेन करना है, बाकी अदर कोई खर्च नहीं है इसमें। नहीं, जैसे बहुत सी बार मैंने सुना है कि जैसे गठान मारना छोड़ दिया या दाने यहाँ से ये छोड़ दी जा रही थी, ये इसका क्या कारण? ये ड्राइवर की कमी से होता है। अच्छा, मतलब ड्राइवर सही से ड्राइव नहीं कर पाता और कहता मशीन खराब है। जी, ये ड्राइवर की कमी से होता है। आप देते हैं ये यहाँ से अपने पौधा जो तिरछा आएगा, ये तार लगे हुए हैं आप देखिए, ये तो वो पौधा सही नहीं देगी। ये बीच सेंटर में है तो बिल्कुल गेहूँ सीधे आएंगे यहाँ। ठीक है, तार एक लेवल से होने चाहिए। और दूसरी बात, वो जो गठान मारना छोड़ देती है उसका क्या? तो आप ग्रिस पे ध्यान दो, आयल ग्रिस पे। ठीक है, ठीक है। दूसरा ये है कि बंडल देख लो आप कितना टाइट बन रहा है। बिल्कुल, और प्लास्टिक से बंधा हुआ टूटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल, ये तो अब आप देख लीजिए कितना टाइट है। अब इससे भी ज़्यादा टाइट करोगे तो वो तो छोड़ेगी। अच्छा, फिर इससे ज़्यादा टाइट करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, रस्सी टूटेगी सर। ठीक है, कोई सी भी चीज़ है मजबूत सीमित समय तक रहती है। यह बात तो सही है। तो मतलब आप जैसे 20 दिन से चला रहे हो, 200-250 बीघा आप काट चुके हो, तो इसका मतलब कुल मिला के आप इससे पूर्ण तरीके से संतुष्ट हो? कितने संतुष्ट आप हो? मैं 101% संतुष्ट। 101% संतुष्ट है। तो अब बात की जाए, शक्ति किसान की मशीन तो दिख रही, लेकिन आप शक्ति किसान कंपनी में तो गए नहीं होंगे। मशीन कहाँ से खरीदी आपने? मैंने पचोर से खरीदी है, सुविधा मार्केट वालों से। सुविधा मार्केट पचोर से मशीन खरीदी। मशीन के बारे में बता दी। अब जैसे कि मेरे को बहुत से कमेंट आते हैं, इतने फ़ोन आते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मशीन ले रहे हैं किसान भाई, वो मेरे को डायरेक्ट बोलते थे साहब मशीन किसी काम की नहीं है, मशीन चल ही नहीं रही, यही नहीं हो रहा। तो उन किसान भाइयों के लिए आप क्या संदेश देंगे? जी उनके लिए मैं संदेश ये दूंगा कि वो मशीन की गलती से नहीं, इंसान की गलती से ख़राब होती है। अगर नहीं चल रही है तो आप पहले लक्ष्य बनाओ कि हमें ये काम करना है तो होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सोच लो कि मशीन आ गई है और डायरेक्ट चलाना याद नहीं बैठ गए, तो वो तो फिर कंपनी को भी दोष दो और खुद भी परेशान रहो। ठीक है, ये अपने नॉलेज से चलेगी, थोड़ी सी जानकारी अपने होनी चाहिए इसकी। जानकारी नहीं है तो भली लो मत। एक तो जानकारी नहीं है तो मत लो, और दूसरी बात चलाने का मानस पूरा बनाओ तो ही चलो। यानी कि बात बात पे सीधा कंपनी कॉल करना, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा भाई साहब, ये तो थोड़ी मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी। बिल्कुल मेहनत चाहिए भाई साहब, रात दिन आपको 24 घंटे नींद छोड़नी पड़ेगी। आपने सुविधा मार्केटिंग वालों कितनी बार फ़ोन करेंगे मेरी मशीन काम नहीं कर रही? नहीं, मैंने एक भी बार नहीं किया। एक भी बार नहीं करा? मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी फ़ोन करने की। हाँ, मेरी स्टार्टिंग में लफड़ा हुआ था तो वो हो गया, थोड़ी सी मेहनत करी, अब नई मशीन है, फूले छोड़ रही थी, थोड़ी सी फ्री हुई और कम्प्लीट। तो मतलब वो सिर्फ सेटिंग का ही खेल है? हाँ, सेटिंग का ही। मशीन के बारे में तो आपने डिटेल से जानकारी दी कैसे चलानी चाहिए, क्या करना चाहिए। अब बात रहती है कि जैसे बहुत से किसान भाई बिल्कुल ज़मीन के सहारे से काट के चलाते हैं मशीन को, चलाते हैं सहारे से काटते, बिल्कुल ज़मीन से इतना ऊपर। हाँ। आपने एक एवरेज लेवल से ज़्यादा ऊपर भी नहीं और ज़्यादा नीचे भी नहीं काट रखा, इसका क्या कारण है? इसका सर ये खेत के ऊपर डिपेंड करता है आपके। ठीक है, ठीक है। अगर खेत में पत्थर वगैरह है तो थोड़ा सा ऊपर से लेना पड़ता है, नहीं तो इसमें और भी नीचे से कट जाएंगे अभी।
अच्छा, और भी नीचे से कट काट सकते हैं। ये जमीन के ये है, इससे टच होकर कट जाएंगे। अच्छा, मतलब जमीन के बिल्कुल सहारे से आप काट सकते हैं। बिल्कुल काट सकते हैं। और कोई आखिरी बात जो आप हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगे? जी श्रीमान, मैंने जो है ये ट्रैक्टर लिया था। ठीक है मैंने सोचा मैंने कि ट्रैक्टर लेके अपन घर चल रहे हैं, तो कोई साधन ऐसा ले लें जो कमाए, पैसे कमाए। ठीक है। तो मुझे ये रीपर का ध्यान आया। ठीक है। ये जब से ली है तो ये तो लगभग मेरी फ्री हो ही गई है। 20 दिन में फ्री कर ली इसने? जी बिल्कुल। क्या बात है। आप मीटर चेक कर लीजिए ट्रैक्टर पे, यही कसाई है, अभी पन्नी भी नहीं फटी ट्रैक्टर की। ठीक है। डायरेक्ट शोरूम से ट्रैक्टर रिपेयर के गोडाउन पे गया, वहाँ से खेत में गया, तब से चल ही रहा है। बाकी उम्मीद ये है कि मैं ट्रैक्टर भी फ्री कर लूँगा अभी इसी सीजन। रिपेयर फ्री कर लिए, ट्रैक्टर फ्री करने जा रहे हैं। आप वो देख लीजिए किलोमीटर उसमें। बढ़िया सर, आपसे बात करके मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। आप इतनी हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मानस तो दृढ़ बनाना पड़ेगा तो ही मशीन चल पाएगी। हाँ, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी मशीन में खराबी नहीं आती, वो आ सकती है, लेकिन नॉर्मली सी चीज़ है, मशीन है, कोई कंप्यूटर रोबोटिक चीज़ नहीं है। बिगड़ेगी बनेगी, आपको संभालना है, चलाना है। बाकी कटाई आप लाइव देख रहे हैं, सीधा खेत से देख रहे हैं, इससे ज़्यादा बेटर आप चीज़ क्या देख सकते हैं कि कितनी सफाई के साथ और कितनी बढ़िया तरीके से ये गेहूं की कटाई कर रही है। हो सकता है कभी कभार जैसे गेहूं गिरे हुए हैं, जैसे यहाँ मेरे आप सामने देख सकते हैं, नील गायें जानवर वगैरह कुछ निकले हैं, उनके पैरों से टूटे हुए, तो आप किसी भी मशीन से नहीं उठा सकेंगे। वो तो कोई सी भी मशीन हो सर, नहीं उठा पाएगी। बाकी तो जो खड़े गेहूँ हैं उनको तो बड़ी आसानी से काट रही है। खड़े गेहूँ तो एक भी खेत में नहीं बचेगा, बाकी जो जानवरों ने नीचे गिरा दिए वो तो आप कोई सी भी मशीन ले आओ नहीं उठेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं उठेगा। तो धन्यवाद भाई जी आपका बहुत बहुत। तो दोस्तों आप उनसे मिलाते हैं जो ये मशीन आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अगर आपको भी ये मशीन पसंद आ रही है, इस मशीन को आपको लेनी है, तो आप इसको किस प्रकार से ले सकते हैं? तो सर नमस्कार। सुरेश जी नमस्ते। सर अपना नाम बता, परिचय बता दो सर। मैं नारायण सिंह यादव, सुविधा मार्केटिंग कंपनी पचोर। ठीक है। तो ये किसान भाइयों के लिए आप ही उपलब्ध करा रहे हैं, शक्ति किसान का रीपर बाइंडर? जी जी सर। तो बताइए सर रीपर के बारे में। हम अभी किसान भाई से मिले और मैंने खुद ने काम देखा तो खुद का मेरा दिल भी खुश हो गया काम करके, और इनकी हिम्मत देख के तो और भी ज़्यादा खुश हो गया। तो अब बताइए सर कि इस मशीन को अगर कोई किसान भाई खरीदना चाहता है तो कैसे खरीद पाएगा आपसे? सर वो मेरे नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर, और उस पर संपर्क कर लें, या दूर यदि मेरे से 100-200 किलोमीटर दूर भी है तो वहाँ भी पहुँचा देते हैं। ठीक है। अगर वो यहाँ पचोर आ सकते हैं तो द बेस्ट है, और नहीं आ सकते तो आप मशीन वहाँ भी प्रोवाइड करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यदि पचोर आते हैं तो मेरा क्या पूरा वर्कशॉप है। ठीक है। तो फिटिंग ठीक हो जाती है, प्रॉपर तरीके से सारे काम हो जाता है। बिल्कुल, फिटिंग अच्छी हो जाती है। सर काफ़ी बढ़िया मशीन लेके आए, और किसान भाइयों की काफ़ी कुछ समस्या आपने हल कर दी। गेहूँ काटने और बंडल बनने काम सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है, तो ये काम आपने काफ़ी बढ़िया हल कर दिया। मैं किसान भाइयों की तरफ से आपको धन्यवाद कहता हूँ। आपको धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस मशीन के बारे में आपको जो डिटेल से जानकारी दी, इस मशीन की कटाई दिखाई, मशीन के बारे में बताया, वो जानकारी आपको कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर इस मशीन को आपको ख़रीदनी तो सर के नंबर दिए गए स्क्रीन पे, वहाँ आप संपर्क कर लीजिए इनसे, वो मशीन के बारे में डिटेल से और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, इस मशीन को ख़रीद सकते हैं। और पचोर एमपी में आप आ सकते हैं, यहाँ आके भी आप खरीद सकते हैं, और अगर नहीं आ सकते तो ये आपको होम डिलीवरी के साथ मशीन आपके घर पर भी उपलब्ध करवा देंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर पहली बार आएँ और ऐसी वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको खेती किसानी की ऐसी वीडियो हमेशा मिलते रहते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।